Kok Borok is a language spoken in Tripura by Tripuris, by the residents of Tripura. So ये जो Kok Borok language है, Kok Borok language का जो script है, कौन सा script में लिखा जाना चाहिए, ये दूसरा language बोलने वाले लोग क्यों decide करें? ये power क्यों है उन लोगों के पास? वो तो हमारे पास होना चाहिए, कॉकब्रॉक बोलने वाले लोगों के पास होना चाहिए कि हम कौन सा स्क्रिप्ट में लिखना चाहता है, हम कौन सा स्क्रिप्ट में पढ़ने की कंफर्टेबल है, कौन सा स्क्रिप्ट में हम पढ़ने के लिए हम राजी हैं, वो देखा जाना चाहिए। ताकि ना कि ये कि कोई लागू ना करे कि कॉकब्रॉक स्क्रिप्ट बंगाली या फिर देवनगरी में लिखा जाए। हम सभी त्रिपुरासा लोग चाहते हैं कि हर कॉकब्रॉक लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए और हम उसी में लिखना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स रोमन स्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हैं तो रोमन स्क्रिप्ट में अप्रूव कर दिया जाए। क्यों फोर्सफुली उन लोगों को बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाने के लिए बोला जा रहा है? ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए हमारे कॉक ब्रॉक लैंग्वेज के लिए। हम जो स्क्रिप्ट में कंफर्टेबल है हम उसी स्क्रिप्ट में लिखना चाहेंगे। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट को हमारे यही गुजारिश है कि आप लोग ये लागू ना करें कि सिर्फ कॉकब्रॉक लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए। आप लोग ये सोचना चाहिए कि ये जो जाति है वो कौन सा स्क्रिप्ट में लिखना चाहता है। बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड इट शुड बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट, नॉट इन बंगाली स्क्रिप्ट। वी डोंट वॉन्ट टू स्टडी बंगाली लैंग्वेज, वी डोंट वॉन्ट टू स्टडी बंगाली स्क्रिप्ट। सो अंडरस्टैंड दिस, हमको पढ़ना आता है बंगाली, हमको लिखना भी आता है बंगाली, बट हम नहीं चाहते कि अभी हमारा कॉकब्रॉक लैंग्वेज बंगाली में लिखा जाए। हम चाहते हैं कि हमारा कॉकब्रॉक लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। देवनगिरी में नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम रोमन स्क्रिप्ट में कंफर्ट रखता है। हमारे जो प्रेजेंट यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी ये उन वो लोग भी यही चाहते कि वो रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखे, क्योंकि उनको रोमन स्क्रिप्ट ही इजी लगता है। तो हमारी यही दरख्वास्त हमेशा रहता है, हमेशा रहेंगे, पहले से भी हम इसी पॉइंट्स को आए थे, पहले भी बहुत बार आए थे कि यस कॉक ब्रॉक लैंग्वेज का स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट होना चाहिए, ना कि देवनगरी, ना कि बंगाली, ना कि हिंदी। यस हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलेंगे, बट हम हमारा लैंग्वेज हमारे हिसाब से लिखना चाहते हैं, हमारे हिसाब से पढ़ना चाहता है। तो ये फ्रीडम हम आप लोग हमसे क्यों छीनना चाहता है? अब ये जबरदस्ती क्यों कर रहा है कि कॉक ब्रॉक लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए ये साल मैट्रिक में या कौन सी कोई भी एग्जाम्स में? ऐसे तो हमारे कोई भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप बंगाली स्क्रिप्ट में लिखवाना चाहते हो या बंगाली स्क्रिप्ट में पढ़वाना चाहते हो कॉकब्रोक को, तो हम पूरी जो ट्राइवल्स है जो कॉकब्रोक लैंग्वेज पढ़ रहा है वो तो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को तो उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जिसमें हमारा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, जिस लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट से इंटरेस्टेड है उसी स्क्रिप्ट को लागू करना चाहिए, ना कि आप अपने हिसाब से लगाना है। आप क्यों अब हमको ये बात अभी तक समझ में नहीं आया कि त्रिपुरा गवर्नमेंट जो बंगाली लोग चला रहा है बंगाली स्क्रिप्ट क्यों डालना चाहता है कॉकब्रॉक लैंग्वेज पे? बंगाली लैंग्वेज पे बंगाली स्क्रिप्ट है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ट्राइबल्स या कॉकब्रॉक बोलने वाले कभी बोले हैं कि बंगाली लैंग्वेज भी हिंदी में लिखवा जाना चाहिए या देवनगिरी में लिखवा जाना चाहिए या फिर रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए? ये बात तो कभी हुई नहीं, ये बात तो हमने कभी चाही ही नहीं। अब हमने कभी डिमांड भी नहीं करे कि कोई दूसरा लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तो ये हमारे कॉकब्रॉक लैंग्वेज को बंगाली में क्यों लिखा जाने के लिए इतना फोर्सफुल करा जा रहा है, क्यों लागू करा जा रहा है? हमारा स्टूडेंट लोग कितना सफर करेगा वो सोचो। हमारे ट्राइबल्स, हमारे कॉकब्रोक बोलने वाले लोग जो आज तक रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं, रोमन स्क्रिप्ट में लिख के आए हैं, उन लोगों का क्या, वो लोग कैसे पास करेंगे? आप लोग तो वही चाहते होंगे कि ट्राइबल लोग कभी पास ना हारे। आप लोग तो चाहे होंगे कि ये कॉकब्रोक पढ़ने वाले लोग कभी कॉकब्रोक को आगे ना बढ़ा पाए। आप लोगों का क्या यही इरादा है कि कॉकब्रोक को दबा के रखना है और बंगाली लैंग्वेज को सिर्फ ऊपर लेके जाना है? ये पूरी इंडिया को पता होना चाहिए, पूरी इंडिया, पूरी का पूरा इंडिया, सबको पता होना चाहिए कि यस
कॉकबोरोक लैंग्वेज शुड बी रिटन बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट दैट ट्राइबल पीपल जो कॉकबोरोक बोलने वाले लोग जो स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं उसी स्क्रिप्ट में लिखा जाए. देखे जाए आप खुद देखो असामीज लिखा जाता है असामीज का स्क्रिप्ट में है, ओडिया में भी ओडिया का स्क्रिप्ट है, बंगाली का बंगाली का स्क्रिप्ट है, भोजपुरी में भी बिहारी का खुद का स्क्रिप्ट है, हिंदी में हिंदी का स्क्रिप्ट है, कर्नाटका में कर्नाटका का स्क्रिप्ट है, तमिलनाडु में तमिल स्क्रिप्ट है, केरला में केरला स्क्रिप्ट है. तो मलयाली में यह स्क्रिप्ट अपना खुद का है, तमिलियंस में खुद का है, हैदराबाद आंध्रा तेलुगु में है, सबका खुद का है. तो ये कॉकबोरोक को बंगाली में लिखा जाने के लिए क्यों बोला जा रहा है, बंगाली स्क्रिप्ट में हम क्यों लिखे, क्यों बोला जा रहा है कि हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाए, हमारे कॉकबोरोक लैंग्वेज हम जो चाहेंगे उसी में लिखना चाहेंगे और ये लागू होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अप्रूव होना चाहिए, ना कि आप लोग ये फोर्सफुली ये कमेंट कर दें या फिर ये अनाउंस कर दें कि कॉकबोरोक लैंग्वेज भी बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए. बहुत गलत हो रहा है सर. जिसने भी अप्रूव करे हैं, हम आपको खुद पूछना चाहता हूँ, अगर शायद हमारे वीडियो आप तक ना पहुँचे पर हम पूछना चाहेंगे कि आप ये क्या समझ के क्या सोच के आपने बोला कि कॉकबोरोक लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए. जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखें और इजी लगता है या फिर कंफर्ट होता है हम लोगों को, तो हम उसी में जाएंगे क्योंकि हम भी हमारा लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहता है और इसी ऐसे ही हमारे लैंग्वेज के जो एजुकेशनल सिस्टम में है, CBSE बोर्ड, TBSE बोर्ड, जहाँ भी है, हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं. आज तक आप लोगों ने ये बंगाली स्क्रिप्ट को लागू बना के रखे हैं त्रिपुरा में, सालों से चल के आए हैं, हम खुद बंगाली पढ़ के आए हैं, हम खुद बंगाली में बंगाली सब्जेक्ट मैट्रिक में एग्जाम दे के पास होके आए हैं, हमको भी बंगाली पढ़ना आती है. हाँ, हमारे टाइम पे हमको कॉकबोरोक लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिला, वो उसके हम दुख नहीं है, बट यस अभी के ज़माने में जो कॉकबोरोक लैंग्वेज पढ़ रहा है उन लोगों के लिए तो प्लीज़ आप बंगाली स्क्रिप्ट लागू ना करें. जितना हम लोग चाहते थे हम उतना ही मांग रहे हैं. आप प्लीज़ आप लोग ये ज़बरदस्ती ना करें कि कॉकबोरोक लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाए. आप प्लीज़ ये अप्रूव कर दो कि कॉकबोरोक लैंग्वेज जो कॉकबोरोक बोलने वाले लोग चाहते हैं उसी में लिखा जाए. बहुत 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 धन्यवाद. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली हमारे त्रिपुरी पीपल, तिपरासा पीपल, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहा है और स्प्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्प्रेड करिए. कोशिश करो कि हमारी ये वीडियो त्रिपुरा गवर्नमेंट तक पहुँचे और त्रिपुरा का जो TBSE बोर्ड का जो भी डायरेक्टर है जिन्होंने अप्रूव करे हैं उनके आँखों तक पहुँचे, उन तक पहुँचे कि ये बात कोई नहीं चाहते हैं, कि कोई भी त्रिपुरासा नहीं चाहता कि हमारा कॉकबोरोक लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाए. लागू करो रोमन स्क्रिप्ट. देवनागरी स्क्रिप्ट में भी हमारा त्रिपुरासा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो इंटरेस्टेड है रोमन स्क्रिप्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस पर जा रहा है, तो वो लागू करा जाए, ना कि आपका बंगाली और ना देवनागरी ना हिंदी स्क्रिप्ट. नहीं चाहिए हमको आपका बंगाली स्क्रिप्ट, हमको चाहिए रोमन स्क्रिप्ट या फिर जो इजी है अपना ट्राइबल, अपना तिपरासा लोगों के लिए, अपना कॉकब्रोक बोलने वाले लोगों के लिए, कॉकब्रोक पढ़ने वाले लोगों के लिए, जो कॉकब्रोक सब्जेक्ट पढ़ रहा है उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है, जो कम्फर्ट है उसी में लिखना चाहेंगे. प्लीज़ शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, शेयर करिए और स्प्रेड करिए और पहुंचाइए हमारी ये वीडियो गवर्नमेंट तक, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाइए. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से. मैं दिनेश देव वर्मा, एक तिपरासा एंड हमेशा तिपरासा रहेगा. खुलुम का हम भाई.